हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मॉडल पेपर विज्ञान कक्षा 10 है। तो यहाँ पे देखिए, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जहाँ आपको 30 मार्क्स आपके कॉलेज में दिया जाता है प्रैक्टिकल के रूप में, और आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो हम इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वन बाई वन। तो आइए आज हम देखते हैं खंड अ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है भौतिक विज्ञान। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर होगा, सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान देखने को मिलेगा, फिर आपको रसायन विज्ञान, फिर आपको जीव विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का जो इमेज होगा वो क्या होगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो आपका जो इमेज है उसका वह कहाँ बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का मात्रक बताना है। तो इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वहाँ पे देखिए आर जो है उसी का मात्रक यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका मात्रक होता है ओम। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग है। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 100 अपॉन में आपको जो क्षमता दिया गया है उससे आप डिवाइड कर दो, तो उसका सेंटीमीटर में आपका फोकस दूरी फाइंड होता है। तो एफ इज इक्वल टू होता है 100 अपॉन। तो 100 अपॉन में -10 करोगे और -10 से 100 में डिवाइड करोगे तो आपको -10 ही मिलेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, अर्थात -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। फिर आइए हम क्वेश्चन नंबर घ की तरफ चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके अभी ऑब्जेक्टिव ही हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, इसका फार्मूला क्या होता है? होता है ई वी वी। तो आपका ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आपके जो भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होगा, अर्थात जो आपका टोटल विज्ञान का पेपर है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, खंड अ, खंड ब, खंड स। खंड अ में आपको भौतिक विज्ञान देखने को मिलेगा, खंड ब में आपको रसायन विज्ञान, और खंड स में आपको जीव विज्ञान। तो खंड अ आपका जो भौतिक विज्ञान है, इसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आपने चारों को सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का क्या है? निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। फिर यहाँ पे देखिए खा क्या है। यदि 100 चक्रों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है, तो इसमें उत्पन्न क्या बताना है आपको? विद्युत वाहक बल, EMFU। तो आपको यहाँ पे देखिए एक फार्मूला पता होगा, मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा जो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई होता है, वह क्या होता है? एन इंटू डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। यहाँ पे एन क्या है? फेरों की संख्या है, और फाई क्या है? आपका यहाँ पे जो वेवर में दिया गया है उसका है वैल्यू, और डेल्टा टी क्या है? आपका टाइम है। तो यहाँ पे देखिए आप स्मॉल ई आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 100 चक्कर, अर्थात आपका एन का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? 100 दिया गया है, इंटू 15 वेबर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डेल फाई के स्थान पे 15 वेबर, और अपान में डेल्टा टी क्या है? टाइम है, अर्थात सेकंड है। तो यहाँ पे 2 सेकंड टाइम दिया गया है, तो इसको आप अपान में 2 कर दीजिए। अब इसको 2 से अब 100 को कट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 50 बचेगा, और 50 को 15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 750 वोल्ट। इसका क्या मात्रक होता है? वोल्ट होता है। आपका जो खा है इसका आंसर आपको 750 वोल्ट फाइंड हो जाएगा। तो ये था आपका 2 का क और खा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ग को। तो यहाँ पे 2 के ग क्या है? किस दर्पण से वस्तु का जो इमेज है सदैव सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है? ये उत्तल दर्पण की यहाँ पे उपयोग किया जाता है। फिर आपका देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का
का है। चाहे आप ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व करिए फिर अथवा यहाँ पे और करके दिया है या फिर आप नीचे वाला सॉल्व करिए, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आई होप आपने नोट्स बनाया होगा तो आप इसको वहाँ से देख करके पढ़ सकते हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ख, देखिए जो छोटा छोटा क्वेश्चन है फिर जो ऑब्जेक्टिव है या फिर एक या दो नंबर का, मैं आपको उसको सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे बायो सेवर्ट का नियम क्या है, चाहे आप इसको सॉल्व करिए या फिर आप ऊपर वाला बता दीजिए। जैसे कि मान लो बायो सेवर्ट नियम क्या है आप पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पे फार्मूला इसका लिख करके आपको दिखाता हूँ। आपको जो बायो सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अर्थात आप यहाँ पे एक वायर लेते हैं, यहाँ पे एक पी पॉइंट लेते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस स्मॉल आर पुट करते हैं, यहाँ पे एक डीएल लेंथ भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको चुंबकीय क्षेत्र है वह डीएल अर्थात स्मॉल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आई के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो v है वो आइडियल साइन थीटा पान आर स्क्वायर होता है बायो सेवर्ट के नियम से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, दृष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। चाहे आप इसको करिए फिर अथवा करके आपको दिया गया है, समांतर क्रम में जुड़े तीन आपका जो रेजिस्टेंस है इसका फार्मूला आपको डिराइव करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आइए इसको जानते हैं। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डैश डैश, जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे हों उसी क्रम में आप उसको बढ़ाते चले जाइए। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है भौतिक विज्ञान। या अब यहाँ से स्टार्ट होगा खंड ब, यहाँ पे है रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए 10^-6 MHCl बिलियन का pH मान होगा। तो यहाँ पे इसका आपको pH वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका होता है 6। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ख क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एंटीमनी है। तो एंटीमनी है आपका, एक एंटीमनी एक उपधातु होता है, आपने आवर्त सारणी को याद किया होगा उसमें आपने देखा होगा सभी एलिमेंट को। तो यहाँ पे जो आपका जो एंटीमनी होता है वो आपका उपधातु है। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे क्या है, एक तत्व के ऑक्साइड का सूत्र MO है उसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। यदि यहाँ पे क्या दिया गया हो, एक तत्व के ऑक्साइड का सूत्र आपको MO दिया गया हो तो उसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, उसके नाइट्रेट का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, MnO3 2। इसको क्या पढ़ते हैं, MnO3 2। फिर आपका यहाँ पे 6 का क्या है, एथिल एल्कोहल से आइडोफॉर्म तथा एथिल ईथर डाइएथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, इसका आपको इक्वेशन बताना है। फिर आइए हम इधर चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ख क्या है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 तथा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CHO बॉन्ड CH3 यौगिकों के IUPAC पद्धति में इसका आपको नाम बताना है। आइए इसका हम 1 by 1 नाम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वह क्या दिया गया है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड आपका CH3 आपका फर्स्ट यही है। सबसे पहले आइए हम फर्स्ट को ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे, यदि हम नंबरिंग इस साइड से करें तो 1, 2, 3, 4 तो 4 पे आपका कीटोन ग्रुप आ रहा है। यदि हम इस साइड से करें तो 1, 2 यहाँ पे 2 पे आपका कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो नज़दीक किस तरफ से है, इस तरफ से है तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5। देखिए आपका जो चैन है कार्बन की वो 5 की चैन है, 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं और आपको यहाँ पे 2 पर आपको कीटोन ग्रुप भी लगा है तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 2।
आपका यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन टू, क्योंकि आपका कीटोन ग्रुप है तो पेंटेनोन टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सेकंड है उसका क्या है, सेकंड आपका है CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CHO और आपका यहाँ पे बॉन्ड है CH3। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप में भी कार्बन है तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, 2। अब चाहे आप इस साइड जाएंगे तब भी 3 मिलेगा, इस साइड जाएंगे तब भी 3 मिलेगा, तो इस साइड आप जाइए तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 2 पे क्या लगा है, यहाँ पे आपका 2 क्या है, CH3 है, 2 पे आपका CH3 क्या है, सफिक्स है। इसका नाम हम पहले लिखेंगे क्योंकि कार्बन के चेन से ये बाहर है ना, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2-methyl और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसका नाम लिखते साइम इसको हम अल लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-methyl प्रोपेनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-methyl प्रोपेनल। तो आपके फर्स्ट का क्या नाम हो गया, पेंटेनोन 2, और आपका सेकंड का क्या हो गया, 2-methyl प्रोपेनल। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गया है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है इसका, 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लिखिए। तो इन सभी का आंसर आपको खुद से ही सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको निर्जलीकरण, इस्मत अभिक्रिया जो भी है इसको आपको डिराइव करना है यहाँ पे 1 by 1 स्टेप में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे खंड सा है जीव विज्ञान, तो यहाँ पे देखिए गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, गुणसूत्र आपके बने होते हैं DNA और प्रोटीन से। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, DNA और प्रोटीन से। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर का क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो आपका अंडाशय जो है वह निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, वह क्या है, अंडाशय है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 12 तक खुद से ही सॉल्व करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आमाशय किसे कहते हैं, फिर आपको DNA के फिंगरप्रिंटिंग का क्या अर्थ है इसका आपको बताना है, फिर पीयूष ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सभी आपको डिराइव करना है 1 by 1 स्टेप में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको टोटल 3 मॉडल पेपर यहाँ पे दूंगा, ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है, इसके बाद आपका सेकंड फिर थर्ड आएगा, जिसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव और जो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है सॉल्व कराए जाएंगे, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको स्वयं ही सॉल्व करना है। तो यदि आप तीनों मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो आई होप आपका जो 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर होगा 2023 27 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका 50 से 60 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसी में से आपको दिए जाएंगे। माना कि आपका जो 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन है कुछ अलग दे दिए जाएँ तो अलग की बात है, लेकिन आपको जो 50 से 60 के बीच में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।